तो ये गाइस, इस वीडियो में तुम लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा लेवल 90 के लिए जो तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तुम्हें कुछ ना कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, पहली चीज़ है, देख सकते हो अभी ट्रेड में दिखा देता हूँ। ट्रेड जो है इस समय मार्केट बहुत डाउन है। कभी ये जो हमारे पेजेस होते थे ये 25-30 भरे रहते थे, और ये देखो आज 5 पे अटका हुआ है। और इसमें भी कोई भी चीज़ यहाँ पे महंगी नहीं मिल रही, कुछ भी चीज़ मतलब कि सब कह सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो चिप, देखो सस्ते में मिल रहा है। कपड़े जो होते हैं गोल्डन आर्मर वगैरह तुम बनाते हो तब भी वो सस्ते में ही बिकता है। तो इस समय क्राफ्टिंग करने का कोई मतलब नहीं है। अपना जो क्राफ्टिंग वगैरह है सब कुछ इस समय बंद कर दो। 7 दिन अपना चार्ज कर दो रिफाइनिंग टेबल। इसकी लिमिट जो है 2800 है, पर मेरा भी 920 चार्ज है। अगर क्या हो कि मैं इसको रोज़ क्राफ्टिंग करूँ या फिर इसको रोज़ रिफाइन करके ख़त्म कर दूँ तो लेवल 90 पे मुझे जो लिमिट मिलेगी बहुत थोड़ी रहेगी। इससे पहले कहने का मतलब बस ये है कि तुम्हें इसको पूरा 2800 चार्ज करके रखना है, और 90 लेवल की बात तुम तब ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो उसका। फिर तुम लोग एक और चीज़ बताता हूँ। देखो हमारा जो रेयर मेटल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ क्राफ्ट करने के लिए। अब तुम सोचोगे यार फन टू प्ले हो, तो भाई रेयर मेटल इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ तरीके जान लो। पहला, तुम स्टोर में से खरीद सकते हो गोल्ड से। वहाँ तुमको 20 बॉक्स या 10 बॉक्स मिल जाते हैं खरीदने के लिए पर वीक। तो इस हफ्ते का खरीद लो, नेक्स्ट वीक भी खरीद लेना। फिर उसके बाद हमारा आता है कॉम्बैट पॉइंट। कॉम्बैट पॉइंट में जाओ, वहाँ पे तुम्हें वहाँ से भी मिल जाएगा इसका जो बॉक्स होता है। फिर हमें डेली इवेंट में थोड़ा बहुत मिल जाता है। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा और एक टिप्स बता देता हूँ जहाँ से तुम्हें मिल सकता है। तो इस समय देखो मेरे सर्वर में एक इवेंट चल रहा है, हो सकता है तुम्हारे इवेंट में तुम्हारे सर्वर में भी चल रहा हो। तो देखो इस समय एक इवेंट चल रहा है मिस्टीरियस शॉप नाम का। इसमें जब जाओगे तुम तो यहाँ पे तुमको बहुत सारी चीज़ें देगा खरीदने के लिए जो तुम्हें आरसी में दिखेगी, पर वहाँ पे तुमको एक रिफ्रेश बटन दिखेगा जो कि फ्री में होता है। तो तुम उसे रिफ्रेश करते रहो, तुम्हें ऐसे कुछ आइटम्स मिलेंगे 4 या 5 जो तुमको सिल्वर या गोल्ड में मिलेंगे। और सही बताओ ना तो 2000 गोल्ड में तुमको 20 बॉक्स वहाँ से मिल जाएगा इस इवेंट के अंदर। तो मैं तुमको दिखाने को दिखा सकता था, पर ये इवेंट ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है भाई। हमारे नेक्स्ट टिप्स की तरफ, तो देखो यार जैसे 90 लेवल आएगा तो हमारे जो रिसोर्सेस है वो भी चेंज हो जाएंगे। अभी जो हम रिसोर्सेज यूज करते हैं वो हमारा 70 लेवल वाला है जो गोल्डन डेजर्ट वगैरह मिलता है, पर लेवल 90 होने के बाद जो हमें रिसोर्स चाहिए होंगे, तो देखो यहाँ पे टाइटेनियम ओर वगैरह दिखना चालू हो गया ट्रेड में। यहाँ पे देखो ब्राइट आइस फ्लैक सीड, तो ये सब चीज़ें जो होंगी ना भाई ये तो काम आएंगी। पर सवाल ये है कि जो हमारा 80 लेवल का आइटम है क्या ये हमें यूज आएगा वहाँ पे 90 लेवल पे, हाँ या नहीं? तो इसका आंसर है हाँ। तो मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ें तुमको यूज में आएंगी। तो पहला चीज़ है हमारा सॉफ्ट लेदर। तो सॉफ्ट लेदर भाई आर्मर और क्लॉथ वगैरह बनाने में तुम्हें बहुत काम आएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा पॉलिस्टर क्लॉथ। पॉलिस्टर क्लॉथ भी भाई अगर तुम क्लॉथ वगैरह बनाते हो, आर्मर वगैरह बनाते हो, उसमें तुम्हारा पॉलिस्टर क्लॉथ भी काम आएगा। फिर उसके बाद सबसे लास्ट चीज़ जो है वो है हमारा टिन अलॉय। तो भाई टीन अलॉय का भी मैंने देखा था, 5000 तुम्हें टीन अलॉय लगेंगे एक गन बनाने में। तो इसको पहले से तुम लेके रखे रहोगे तो 90 लेवल में कम से कम तुम्हें इन सब के पीछे भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे पास पहले से स्टॉक में रहेगा। तो जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे पास 86 सॉफ्ट लेदर है, 85 ये है, 54 टीन अलॉय है। तो ये मुझे उस समय इस चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा, मैं डायरेक्ट बस क्राफ्टिंग कर सकता हूँ 90 वाला ढूंढ कर। फिर उसके बाद देखो एक और टिप बता देता हूँ। जैसे कि हमारे ये ब्लॉकेट के बॉक्स होते हैं, तो मैंने यार दूसरे सर्वर में एक बंदे को देखा था, वो बता रहा था कि जैसे हमारा लेवल 90 होगा ना तो ये जो बॉक्स में जो देख सकते हो ये छोटे छोटे जो हमें आइटम मिलते हैं नॉर्मल आइटम्स, तो ये गोल्डन डेजर्ट वाले मिल रहे हैं। पर एक चांस है कि जैसे 90 लेवल आएगा तो ये अपने आप जो रिवॉर्ड है ना ये चेंज हो जाएंगे, तब हमें हो सकता है डायरेक्ट ये सीधा 100 लेवल 90 लेवल का मिले। तो भाई ये चीज़ है, तुम भी अपने सारे ब्लॉकेट के बॉक्स रख लो। अगर ऐसा होता है, मतलब इसका कंफर्म नहीं, अगर होता है तो तुम्हें ये काम आएगा भाई बहुत, क्योंकि तुमको फ्री के रॉ मटेरियल मिल जाएंगे। तो अभी तुम लोग में से बहुत लोगों का सवाल होगा कि भाई अगर सब कुछ बनाना बंद कर देंगे तो गोल्ड कैसे कमाएंगे? और भाई तुम जब भी मेरा वीडियो देखोगे ना तुमको हमेशा देखो कि मेरे पास बहुत कम गोल्ड रहता है, जबकि मैं इतने सारे डिफरेंट ट्रिक बताता हूँ। तो मैं तुम लोग को बताता हूँ, या देखो मेरे पास गोल्ड आता रहता है, मैं ख़त्म करते रहता हूँ। तो देख कर ऐसा मतलब कि इमेजिन मत किया करो कि मेरे पास गोल्ड नहीं रहता। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ ट्रेड में कि मैं क्या कभी क्या सेल कर रहा हूँ जिससे मुझे गोल्ड मिल रहा है और कितना मिल रहा है। तो ये रहा मेरा सेल रिकॉर्ड। मैंने कल एक वेगन जीन बनाया था भाई, थोड़ा बहुत सामान खर्च किया, थोड़े बहुत कम से कम 20-25 हज़ार खर्च किया, और मैंने देखो यहाँ पे सेल किया 1,23,000 में, जो कि अभी इसका अमाउंट मुझे आएगा, मतलब इसका 6% काट के 1,15,000 मुझे भी आ जाएगा ये हमारा 6 घंटे बाद। तो अभी उससे पहले देखो मैंने एक यहाँ पे सेल किया था सुपर पावर जीन, अब ये मैंने सेल किया था कितने में, 1,45,000 में किया था। फिर उसके बाद तुम अगर नीचे आओगे जस्ट उसके एक दिन पहले, मतलब कि 2-3 दिन पहले मैंने एक और जीन बनाई थी सुपर पावर जीन 95,000 में। फिर जस्ट उससे एक दिन पहले मैंने यहाँ पे 83,000 का एक जीन सेल किया था। फिर जस्ट उसके एक दिन पहले यहाँ 73,000 का सेल किया था।
अब देखो यार, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने बस थोड़ थोड़ा आइटम लगा कर 30-40 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, तो यहाँ पे मैंने अपना सारा का सारा गोल्ड रिकवर भी कर लिया और मुझे रोज़ गोल्ड मिल जाते हैं। मुझे ना कोई कपड़े बनाने का वो है टेंशन है, ना कोई गन बनाने का टेंशन है, बस जीन बनाओ बिक जाएगा भाई। और इसमें एक चांस भी रहता है ना कि भाई देखो, जीन में बहुत सारे रेयर स्टेट होते हैं, तो कुछ स्टेट आ जाएंगे, तो अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, एक परसेंट भी अगर चांस है कि तुम्हारा अच्छा आ जाता है, तो तुम यूज़ भी कर सकते हो, उससे तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर बेकार भी आता है तो तुम उसे सेल कर सकते हो। तो मेरा ट्रिक जो मैं अभी से गोल्ड कमा रहा हूँ, पर ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करता, तुमको मार्केट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चीज़ें चल रही है, लोग किस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी तुम लोग को दिखाता हूँ, अनफिनिश गुड देखोगे ना तो मार्केट में भाई बहुत सस्ता मिलता है। जैसे अभी ये जो टीन एलॉय था ना, ये भाई 3-3, 4-4 सौ का मिल रहा था। तो ऐसे अगर तुम्हारे में भी ऐसे सस्ते में मिले तो तुम ले लेना। पॉलिस्टर क्लॉथ भी अभी 400 का मिल रहा था, अभी महंगा हो गया। और ये सॉफ्ट लेदर भी 3-4 सौ का मिल रहा था। तो ये चीज़ें ना भाई सस्ती होती रहती, तो तुम्हें जब भी सस्ता दिखे इसे खरीद लेना। और लास्ट चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो सिल्वर का, तो भाई देखो यार, सिल्वर एक ऐसी चीज़ है ना, सबका दिक्कत है भाई, चाहे वो पे टू विन हो चाहे फ्री वाला हो, हर चीज़ में भाई इतना सिल्वर लग रहा है ना यार, दिमाग ख़राब हो रखा है। गोल्ड बताओ मेरे पास देखो इस समय कितने हैं, 93,000 गोल्ड है, और सिल्वर देखो 7,000। हंसने वाली बात है वैसे तो। अब इसके लिए क्या कर सकते हो ना, देखो यार 90 लेवल आएगा तो तुम अपना टारगेट बना लो कि मुझे इतने सारे गोल्डन चीज़ें बनानी, इतने सारी चीज़ें सेल करनी है। तुम अपना टारगेट बना लो कि 2 मिलियन 3 मिलियन तुमको कमाना है, मतलब कि 20-30 लाख। तो 20-30 लाख रहेगा तो तुम उससे तुम स्टोर में अपना 4-5 लाख गोल्ड बर्बाद करके सिल्वर खरीद सकते हो भाई। देखो डेली का यार थोड़ा 30-40-50 हज़ार सिल्वर मिलता है, और खर्च से भाई इसका बहुत ज़्यादा है। तो कब तक तुम रोज़ इंतज़ार करते रहोगे नेक्स्ट डे सिल्वर आने का? इससे अच्छा है कि तुम फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का। जब तुम्हारे पास ज़्यादा गोल्ड रहेगा तो तुम खरीद सकते हो, और सही बताओ तो तुम्हें खरीदना पड़ेगा भाई, बिना खरीदे काम नहीं होगा। तो मैंने तुम लोग को बता रखा है वैसे भी पुराने वीडियोस में कि सिल्वर कैसे तुम खरीद, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें खरीदी जाती है। तो यहाँ पे देखो मैंने 27,000 सिल्वर यहाँ से खरीद रखे हैं, और अभी मैं और गोल्ड इकट्ठा कर लूँगा तो मैं इसको भी पूरा खरीदूँगा। तो ऐसे करके तुम 4-5 लाख 6 लाख 7 लाख गोल्ड सॉरी सिल्वर यहाँ से खरीद सकते हो, और चिन्नी चोरी करने की ज़रूरत नहीं है भाई, सीधा कमाने पर फोकस करो और फिर खरीदो। और सही बताओ तो गोल्ड कमाने का फ़ायदा भी है, क्योंकि देखो यहाँ पे कभी कभी ना यूनिक अपीयरेंस में जाओगे तो यहाँ पे कपड़े मिलते हैं। तो अगर तुम्हारे पास कपड़ों का भी तुमको शौक़ है, एक बार तुम खरीदना चाहते हो फ्री का, तो तुम यहाँ से गोल्ड में खरीद सकते हो। तो जैसे कि अभी तो यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक है, पर फायर आर्म स्किल में देखो यहाँ पे मेरे सर्वर में एक एक स्किल मिल रही है 2 मिलियन में। अगर मेरे पास 2 मिलियन होते तो मैं इसे खरीद सकता था, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो पर मैं अभी आगे के लिए इकट्ठा करूंगा, अब मैं तुम लोगों को 90 लेवल के मतलब 1 महीने बाद दिखाऊंगा कि मैं कितने गोल्ड इकट्ठे कर सकता हूं। तो गाइस ये था हमारा वीकली टिप्स एंड ट्रिक, तो अभी तुम्हें कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा इससे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।